हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपको कार ड्राइविंग के बारे में बताऊंगा किस तरह से जल्द कार ड्राइविंग सीख सकते हैं, और आज फिजिकली मैं भी आपको चला के बताऊंगा कि किस तरह से आप इस तरह से चला सकते हैं, और क्या क्या मिस्टेक होती है शुरू में आपसे, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें, और आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, प्लस बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे ऐसे ही अपडेट आप तक पहुँचते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए गाइस, हम चलते हैं हमारी कार के पास। तो गाइस, इस तरह से आपका ये फ्रंट है। तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है, सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं ये, तो सबसे पहले आप जब भी गाड़ी में बैठते हैं तो हैंड ब्रेक लगा हुआ होता है और इसको खोलते नहीं है, इसके कारण आपकी गाड़ी बंद बार बार होती है, तो इससे समझ में नहीं आता आपको। तो आपको सबसे पहले हैंड ब्रेक को खोल लेना है इस तरह से, और हैंड ब्रेक को खोलने के बाद फिर इसके बाद मैं आपको बता दूं, चालू करिए और इस तरह से गियर रहता है। यदि आपको एक लगाना है तो इधर सरका के ऊपर ले जाना है, और इसके बाद दो लगाना है तो उसको उधर साइड ले जाके, यानी आपको जिस तरह से दिया है तीन रोल में, तो तीन ही रोल में आपको गियर लगाना है, और क्लच दबा के ही गियर में काम किया जाएगा, नहीं तो वैसे ही काम नहीं करता है ये, क्लच दबाना पड़ेगा तभी। और इसके बाद इसमें ब्रेक है, एक्सीलेटर है नीचे, इस तरह से रहेगा। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने के बाद हम पहले रिवर्स में डालते हैं गाड़ी को, इस तरह से रिवर्स में डालने के बाद हमें क्लच को आराम से धीरे धीरे खोलना है। इस तरह से आपको पीछे का भी रिवर्स दिखाई देगा यदि गाड़ी में कैमरा लगा हुआ होगा आपकी, तो इस तरह से ले लेना है, और फिर सिंपल से एक नंबर लगाना है। मेरे पास ज़्यादा बड़ा ग्राउंड नहीं है, लेकिन मैं इतने में आपको बता रहा हूँ, लेकिन आप जब नए में चलाओगे तो आपको धीरे धीरे एक बड़ा ग्राउंड ले लेना है। आपको खुले में चलाना है गाड़ी, ना कि ऐसे पैक स्थान पर, ताकि उसमें आपको दिक्कत हो, उससे आपकी सेफ्टी बहुत बढ़िया रहेगी। और क्लच को आपको धीरे धीरे ही छोड़ना है, उससे जो आपकी गाड़ी है वो कंट्रोल में रहेगी, तो इस तरह से आप चला पाएंगे बहुत ही यूजली तरीके से, और इसमें आप बहुत जल्द सीख जाओगे। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे रेगुलर चलाने की, उतनी जल्दी आप इस तरह से सीख पाओगे। तो इस तरह से आपको चलाना है। गाइस, गाड़ी के कुछ फीचर्स हैं जो कि आप कार में बैठे बैठे ही हर चीज़ कर सकते हैं। तो ये जो आपको बटन दिया हुआ है फर्स्ट, ये आपके आईने का है। यदि आप इसको दबाएंगे तो आपके जो आईने हैं बाहर से अंदर हो जाते हैं, और फिर एक बार बाहर करने के बाद एक बार फिर दबा दीजिए तो आपके जो आईने हैं वो बाहर हो जाते हैं। इसके बाद जो आगे का दिया हुआ है लेफ़्ट राइट, ये इससे और इससे अटैच है। यदि आप लेफ़्ट कर देते हैं और इससे कंट्रोल करते हैं तो आपका आईना सेट हो जाता है। फिर राइट का आप करना है सेट, तो फिर से इससे आप सेट कर सकते हैं। फिर इसके बाद ये लॉक अनलॉक का बटन है, इससे आपकी गाड़ी के लॉक अनलॉक कर सकते हैं अंदर बैठे बैठे। और इसके बाद ये जो है, इसको आप दबा देंगे तो इससे विंडो कांच है वो लॉक हो जाएंगे। इसके बाद ये जो दिया है, ये कांच खोलने के हैं। ये आपकी जो गाड़ी के चार दिए हुए हैं चारों गेट के, तो ये आपके कांच खोलने के रहते हैं। यदि मैं यहाँ से लॉक कर दूँ तो ये जो तीन का हैं ये काम नहीं करते हैं, बाकी ये जो ड्राइवर है उसका बस काम करता है, ये तीनों बंद हो जाते हैं यदि इसको लॉक कर दें तो। गाइस, इसमें जो महंगी गाड़ी होती हैं उनमें ये फ्यूचर आपको सीट के नीचे ही दिया रहता है। इस तरह से ये जो देख रहे हैं, इसको आप ऊपर उठाएंगे तो आपका जो पीछे का डिक्की है वो खुल जाता है। इसके बाद जो ये दिया हुआ है, ये आपके पेट्रोल पंप की टंकी का है, तो इसको आप जैसे ही खोलेंगे तो आपकी टंकी खुल जाएगी। और इसके बाद ये जो नीचे दिया हुआ है, ये सामने के बकेट का है, जो आपकी कार का जो सामने का फ्रंट रहता है उसका ये वाला खुल जाता है भाग। तो इस तरह से आपको कार से उतरने की ज़रूरत नहीं पड़ती है महंगी गाड़ियों में, तो इसमें सब पूरा ऑलमोस्ट सिस्टम दिया रहता है। और आपका ये जो रेड बटन दिया हुआ है, ये एक चेतावनी होती है कि इसे जब हम चालू कर देते हैं तो हमारे चारों तरफ के लाइट के लपलिप जलने लगते हैं। इससे संकेत सामने वाली गाड़ी को पता चल जाता है कि हमारी गाड़ी कोई दिक्कत में है, या हमारा पेट्रोल ख़त्म है, या हमारा डीजल ख़त्म है, जो भी है, तो सामने वाला समझ जाता है कि गाड़ी दिक्कत में है, या इस प्रकार वो बटन का काम रहता है।
इस प्रकार आप गाड़ी चलाना सीख सकते हैं बहुत ही ऑलमोस्ट अच्छे तरीके से। और लेकिन आप जब शुरू में पहली बार गाड़ी चला रहे हैं तो आपको बहुत फैले हुए ग्राउंड में चलाना है, ना कि छोटे से ग्राउंड में। यदि आपका बड़ा ग्राउंड रहेगा तो वहाँ पर आप बहुत अच्छे तरीके से सीख पाओगे। जो स्टेयरिंग है वो आप भी जल्द से जल्द संभालना सीख जाओगे यदि बड़ा ग्राउंड रहेगा। और प्रैक्टिस हर रोज़ करना पड़ेगा, कम से कम 3 से 4 दिन यदि आप रेगुलर चला लोगे तो आपको हाथ में गाड़ी बैठ जाएगी और बैठने के बाद आप एक नंबर अच्छे तरीके से चला पाओगे। तो गाइस, आज के ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि हमारा वीडियो कैसा था। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर, कुछ अच्छा सा लेके आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।